फंक्शन एंड ई चल बस। तो कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरे इस पार्ट का बहुत इंतज़ार कर रहे होंगे। तो चलिए आज का पार्ट 1 ब्यूटीफुल एक्सीडेंटल हस्बैंड का स्टार्ट करते हैं। स्टेज पूरी तरीके से तैयार था, रेडी था और सारी ऑडियंस भी आ चुकी थी। टिकट सारे सोल्ड हो चुके थे और सारे माइक्स रेडी हो गए थे उनकी पोजीशंस पे। और तभी लाइट्स ने टर्न किया और हमारे दोनों ब्यूटीफुल से बीटा होस्ट अंदर चल के आए। सबसे पहले हमारी ब्यूटीफुल सी सुंदर सी वेंचिंग अंदर आई और उसके पीछे वेन ने आया और वो दोनों ब्रदर सिस्टर थे और इस पूरे मिस्टर अल्फा इवेंट के होस्ट भी थे और मेन गेस्ट भी थे। और उसके बाद होस्ट ने माइक्स को संभाला और सबका मिस्टर अल्फा इवेंट कंपटीशन में सभी ऑडियंस का लव स्टोरी ऑफ वांगशन एंड ईजान के ऑडियंस का, सब्सक्राइबर्स का और लिसनर्स का, सभी का वेलकम किया। होस्ट वेन्नी के हाथ में मिस्टर अल्फा इवेंट कंपटीशन का ट्रॉफी था, उसे वो लेकर आया और उसकी जगह पे उसे रख दिया। और दोनों ही होस्ट ने अपने अपने माइक्स पर खुद को प्रेजेंट किया और फिर वेंचिंग ने कहा, यहाँ पे सभी मेरे प्यारे ऑडियंस और लव स्टोरीज ऑफ वांगशन एंड ईजान के ऑडियंस, लिसनर्स और सब्सक्राइबर्स, मैं आप सबको वेंचिंग मैं आप सबको बताना चाहती हूँ आखिर ये मिस्टर अल्फा इवेंट कंपटीशन क्या है। ये कंपटीशन हर साल में होता है एक बार और इस कंपटीशन में कोई भी अल्फा पार्टिसिपेट कर सकता है। जो स्ट्रॉन्ग हो, ब्यूटीफुल हो, डैशिंग हो, उसके पास कोई स्पेशल टैलेंट हो और हाँ, वो हमारे प्यारे से जूरी मेंबर्स को पसंद आना चाहिए। इसलिए इसमें अल्फाज को अपना टैलेंट दिखाना पड़ता है, अपना स्टाइल, अपना पैशन, अपना स्ट्रेंथ, अपना आईक्यू, सब कुछ, अपना टैलेंट, कुछ भी। और उस समय जो भी अल्फा नंबर 1 पे होगा, बेस्ट होगा, उसे हमारे जूरी मेंबर्स ट्रॉफी देते हैं। उसको पूरे एक साल तक मिस्टर अल्फा का टाइटल मिलता है, द बेस्ट ब्यूटीफुल और सबसे हैंडसम अल्फा का टाइटल। ये बहुत खास टाइटल है। तो मुझे उम्मीद है आप सबको इसका इम्पोर्टेंस समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपने सेकंड होस्ट वेन्निंग की तरफ जाते हैं। और वेन्निंग, आप बताइए, हमारे प्यारे जूरी मेंबर्स को हमारी ऑडियंस के साथ इंट्रोड्यूस कीजिए। वेन्निंग कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दो ब्यूटीफुल लेडीज एंटर करती हैं, जाई ली और फेंग गुआन। ये दोनों ही लेडीज पिछले 4 सालों से मिस्टर अल्फा इवेंट की जजेस रही हैं। ये सभी बातें हमारे होस्ट वेन्निंग बता रहे हैं सभी को। इस बार स्पेशली एक न्यू हमारे प्यारे से क्यूट से जज हैं और कह लीजिए स्पेशल चीफ गेस्ट आए हैं स्पेशल इनविटेशन पे। तो सभी ऑडियंस प्लीज़ एक बहुत क्यूट से ओमेगा का वेलकम करने के लिए आज प्लीज़ अपने सीट से उठ जाइए। एक बिग राउंड ऑफ अप्लॉज के साथ स्वागत कीजिए मिस्टर वैंग ई पो का। पूरी तालियों की आवाज़ से पूरा स्टेज, पूरा हॉल भर चुका था। और उसके बाद वैंग ईबो ने झुक कर सबको ग्रीट किया और माइक लेते हुए सबको गुड इवनिंग विश किया और कहा, हेलो गाइस, आप सभी को गुड इवनिंग। मैं वैंग ईबो आप सबका मिस्टर अल्फा इवेंट में स्वागत करता हूँ। मैं यहाँ खास आप सबके साथ थोड़ी मस्ती करने वाला हूँ, अपने सभी अल्फा कंटेस्टेंट के साथ। तो चलिए आज का इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाते हैं। और इस इवेंट के बाद मैं आपके लिए खास एक सरप्राइज लाया हूँ जो मेरी एक नई प्रमोशन वीडियो से है। तो चलिए
आज का ये अल्फा इवेंट स्टार्ट करते हैं, कहकर वांग इबो ने माइक को वेन निंग को पकड़ा दिया और दोनों ही जूरी मेंबर्स के पास जाकर सीट पर बैठ गया। उसके बाद वेन निंग ने कहा, चलिए तो हमारे स्पेशल चीफ गेस्ट भी आ चुके हैं, तो हमारे सबसे पहले मिस्टर अल्फा इवेंट के फर्स्ट कंपेटिटर को स्वागत करते हैं। तभी सारे लाइट्स टर्न हुई, स्टेज के सेंटर में गए और वेन निंग ने फिर कहा, सो अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज एंड वेलकम मिस्टर शाओ चेंग। कहते ही सेंटर स्टेज की सेंटर से शाओ चेंग चलकर आने लगा। उसने अपना हाथ वेव किया सारी ऑडियंस को हेलो करने के लिए। उसके बाद उसने सारी ऑडियंस को बो किया और फिर जूरी मेंबर्स को भी बो किया। फिर वेन चिंग से कहा, तो मैं आ गया हूँ, तो अब बताओ सेकंड कौन है। फिर वेन चिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं, तो स्वागत कीजिए हमारे दूसरे मिस्टर अल्फा कंपटीशन के कॉम्पिटिटर का, मिस्टर वांग सी चैन का। इतना सुनते ही सारे बीटा ओमेगा मानो तो पागल ही हो गए। ज़ोर ज़ोर से हुटिंग्स की आवाज़ आने लगी और स्टेज की लाइट एक बार फिर से टर्न हुई और वहाँ से हमारे हैंडसम से डैशिंग से वांग सी चैन चलते हुए आने लगे। वांग सी चैन ने सभी को देखा और एक क्यूट सी स्माइल के साथ सबको ग्रीट किया। और जब उनकी नज़र जूरी मेंबर्स के साथ बैठे उनके छोटे से लिटिल से ओमेगा ब्रदर पे गई, उनकी स्माइल तो थोड़ी सी दुगनी बड़ी हो गई। और फिर वो शाओचेन के बगल में जाकर खड़े हो गए और तब वेन निंग ने कहा, तो चलिए हमारे तीसरे कंपेटिटर का स्वागत करते हैं। वेन निंग कितना कहते लाइट्स फिर से एक बार घूमी, स्टेज की सारा फोकस सेंटर पे गया और वहाँ से एक टॉल सा ब्यूटीफुल सा लैन शुयांग चलकर आया। उसने सभी को झुककर ग्रीट किया और बैठे वांग इबो को, और तब वांग इबो को एक प्यारी सी स्माइल देने के बाद वो भी जाकर वांग सी चैन के बगल में खड़ा हो गया। उसके बाद वेन निंग ने फिर से कहा, तो चलिए हमारे चौथे कंपेटिटर का को वेलकम करते हैं। लाइट्स एक बार फिर से घूमी, स्टेज का फोकस फिर से सेंटर पर गया और वहाँ से इस बार शाओ लैंग बाहर आए एक ब्यूटीफुल सा ब्लैक ड्रेस वोर करके। उन्होंने भी सभी को ग्रीट किया और लैन शुयांग के बगल में जाके खड़ा हो गया। चिंग ने कहा, तो चलिए हमारे पांचवे कंपेटिटर का स्वागत करते हैं। लाइट्स फिर घूमी, स्टेज की तरफ सारी सेंटर फिर से गया और इस बार हमारे प्यारे से एक स्वीट से हैंडसम से नी हुई सांग अंदर आए और उसके बाद उन्होंने भी सबको ग्रीट किया। और पर हाँ, वो किसी और से ज़्यादा खुश नहीं थे, खासकर जब उन्होंने वांग इबो को देखा तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वो बचा के चुपचाप शाओ लैंग के बगल में खड़े हो गए। उसके बाद वेन निंग ने कहा, तो चलिए हमारे सबसे छोटे और सबसे प्यारे अल्फा को स्वागत करते हैं। लाइट्स फिर टर्न हुई स्टेज की सेंटर की तरफ और वहाँ से शाओ शिंग चैन आए ने भी सबको ग्रीट किया और स्पेशली हमारे प्यारे से चीफ गेस्ट को भी ग्रीट किया। और इन रिटर्न चीफ गेस्ट ने माइक को पकड़ा, हेलो कहते हुए उसकी तरफ एक प्यारा सा फिंगर हार्ट दिया और हमारा प्यारा शाओ शिंग चैन ने उसे ग्रैब किया और जाके दूसरे बाकी कंटेस्टेंट के साथ वो भी खड़ा हो गया। उसके बाद वेन निंग ने फिर से कहा, फाइनली आज मिस्टर अल्फा कंपटीशन के आखिरी सेवेंथ कंटेस्टेंट और पिछले 4 साल के मिस्टर अल्फा कंपटीशन के विनर मिस्टर शाओ जान, उनका स्वागत कीजिए। लाइट्स फिर से टर्न हुई और सारा फोकस सेंटर पे गया। इस बार एक प्यारे से स्मोक इफेक्ट के साथ मिस्टर शाओ जान स्टेज की तरफ आए। उन्होंने एक प्यारी सी स्माइल के साथ सबको
ग्रीट किया ऑडियंस को, और बस एक स्माइल की ही तो बात थी। सारी बीटा ओमेगा यहाँ तक कि अल्फा भी एक बार हमारे प्यारे से शौजान के स्माइल से अफेक्ट हो गए। पर शौजान का ध्यान सब पे था, पर वो जैसे ही उनका ध्यान उस प्यारे से ब्यूटीफुल से ओमेगा पे गया, उन्होंने मुंह बना लिया और कुछ भी नहीं किया, ग्रीट तक नहीं किया प्यारे से ओमेगा को हमारे। उसके बाद उस ओमेगा ने भी कुछ भी नहीं रिएक्ट किया और एक कोल्ड फेस रिएक्शन ही रखा। उसके बाद सभी कंटेस्टेंट्स एक साथ एक लाइन पे आ गए, पर सब एक साथ ग्रीट कर रहे थे, पर ऑडियंस का ध्यान लव लेटर ऑफ वांगशन एंड ईजान के सारे लिसनर्स और सब्सक्राइबर्स का ध्यान तो उस ओमेगा और अल्फा के कपड़ों पे था। सभी ऑडियंस सोच रहे थे आखिर ये दोनों ने एक साथ कपल आउटफिट्स क्यों पहने। इसी बात की खुशखुशाहट हो रही थी, सब एक दूसरे से यही सब बातें कर रहे थे। हमारे दो नहीं, ओमेगा और अल्फा एक दूसरे को ना ही नोटिस कर रहे थे और ना ही कोई भाव दे रहे थे। लेकिन जब ऑडियंस की खुशखुशाहट बढ़ने लगी, बातें बढ़ने लगी, आवाज़ आने लगी, तब जाके दोनों ने ही एक दूसरे को नोटिस किया, एक दूसरे के कपड़ों को नोटिस किया। और जब दोनों होस्ट ने सिचुएशन को देखा तो उन्होंने जल्दी से स्टेज पर आया और कहा, संभालते हुए कहा, तो ऑडियंस चले मैं अभी अटेंशन थोड़ी चाहती हूँ, तो चलिए अब हमारे प्यारे अल्फा अपने सेकेंड राउंड पे चलते हैं अपने स्पेशल टैलेंट्स की ओर। तो चलिए क्या आप सब एक्साइटेड हो। इतने पे सारे ऑडियंस की एक साथ हाँ हाँ कहने की आवाज़ आई और सभी का ध्यान थोड़े समय के लिए दोनों ओमेगा और अल्फा के कपड़ों से हट गया। तो सबसे पहला टर्न लेते हैं शौजान अपने स्पेशल टैलेंट को दिखाने के लिए। वो स्टेज पे आते हैं और हेलो गाइस, आज के लिए बस इतना है। मैं जानती हूँ ये वीडियो छोटी है पर मेरी भी इसकी रीज़न है। एक्चुअली गाइस ये एफएफ बहुत 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 ज़्यादा ही क्यूट है। मैंने इस एफएफ में बहुत सारे क्यूट सीन्स लिखे हैं और इसलिए अगर मैं बड़ी बड़ी वीडियोस बनाऊंगी तो एक ही वीडियो में बहुत सारे क्यूट सीन्स हो जाएंगे और आप इतनी ज़्यादा क्यूटनेस वीबो की वैंग ईबो की हैंडल ही नहीं कर पाएंगे। मैं जानती हूँ मेरे सब्सक्राइबर्स के दिल बहुत अच्छे हैं और मैं उनके दिल को हर्ट नहीं करना चाहती। हमारा प्यारा सा ओमेगा इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इतना ज़्यादा उसकी एक्शंस क्यूट है कि वो एरोगेंट शौजान को भी क्यूट शौजान बदल देगा। खड़ूस से शौजान को एक हैप्पी और असली शौजान में बदल देगा, यानी बहुत ज़्यादा क्यूट फनी और बातें करने वाला। तो इसीलिए मैं इस एफएफ की स्टोरी की लाइंस को मैं थोड़ी छोटी ही रखूँगी और इस पे वीडियो मैं छोटी छोटी बनाऊँगी। हमारे ओमेगा की क्यूटनेस को भी तो आपको हैंडल करना है ना, इसीलिए। और हाँ गाइस, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। गाइस आप कमेंट खुद ही देख लीजिए, अब आप सब चाह रहे हो कि मैं स्टोरी लाइन को ही बदल दूँ और मैं शौजान को बॉटम कर दूँ और वीवो को टॉप कर दूँ, पर गाइस ये पॉसिबल ही नहीं है। मैंने इस एफएफ को ऐसा लिखा है तो मैं कैसे एफएफ ही पूरी चेंज कर दूँ। इसकी स्टोरी लाइन ही यही है कि हमारा वीवो वैंग ईवो एक क्यूट सा ओमेगा है और शौजान एक एरोगेंट सा बिजनेसमैन है, तो मैं अब कैसे आपकी डिमांड पे चेंज कर दूँ। मेरी भी तो ट्रबल समझिए ना गाइस, मैंने इस एफएफ को ऐसे ही लिखा है और आप ऐसे कमेंट्स करते हो तो मुझे भी हर्ट होता है। इसलिए प्लीज़ ऐसे कमेंट्स मत कीजिए, आप मुझे क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे कमेंट्स ही कीजिए और अगर मेरी कोई भी गलती हो तो मुझे बताइए, ना कि ऐसे कमेंट्स कीजिए, क्योंकि अब मैं इसका क्या रिप्लाई दूँ। आप ही बताइए गाइस, मैंने इस एफएफ को ही ऐसे लिखा है और अब मैं एफएफ को पूरी चेंज कर दूँगी तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, एफएफ मज़ेदार ही नहीं रहेगा। इसलिए सॉरी जिसके भी कमेंट्स थे, ये मैं आपसे सॉरी कहती हूँ क्योंकि मैं आपके डिमांड पर भी इस एफएफ को मैं चेंज नहीं कर सकती क्योंकि मैंने इस एफएफ को ऐसे ही लिखा है। सॉरी मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, और हाँ थैंक यू सो मच मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स और वो सभी जो मेरी स्टोरी सुनते हैं और मुझे इतनी ब्यूटीफुल स्वीट स्वीट कमेंट्स करते हैं। गाइस आप मेरे कमेंट सेक्शन में इतने सारे हार्ट्स फिल कर देते हो कि मेरा दिल भी भर जाता है गाइस आपके प्यारे कमेंट्स से, इसलिए थैंक यू सो मच। और गाइस मैं आपको फिर से बता दूँ, मैं जिसके भी कमेंट्स वीडियो बनाने तक आते हैं वीडियोस पे, मैं उन्हीं के कमेंट्स ले पाती हूँ, उनका स्क्रीनशॉट ले पाती हूँ, इसलिए
अगर आप में से किसी को थोड़ा बुरा लगे क्योंकि उनके कमेंट्स में शो नहीं कर पाए, इसका मतलब है कि मैंने उनके आपने तब FF मतलब मेरे FF पे कमेंट किया होगा जब मैंने उस पार्ट का फोटोज क्लिक कर दिए होंगे, इसलिए सॉरी अगर मैंने किसी को भी हर्ट किया हो तो। और गाइस थैंक यू सो मच फॉर लविंग माई चैनल एंड ऑल्सो गिविंग लॉट्स ऑफ लव टू माई FFs। थैंक यू सो मच गाइस। गाइस डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज, एंड यस ऑलवेज लव वांगशी एंड इजा। बाय बाय गाइस, लव यू सो मच।